बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों का 100 इंटीग्रल चैलेंज के अंदर खुद खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 100 इंटीग्रल का चैलेंज लिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने 100 इंटीग्रल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये उसका प्रॉब्लम नंबर 19 है। हम लोग इससे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके, और जो स्टूडेंट्स मुझे पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको समझ आ रही होगी। आई होप अगर जहाँ ना समझ आए तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर मेरा नंबर मेंशन है, ठीक है, पेज के ऊपर जाके। और जो लोग पेज के ऊपर न्यू है वो पेज को फॉलो कर दीजिए, और टैली मैथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टैली मैथ अपने जहन में रख लीजिए, क्योंकि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोर्स मैं इसके ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, और इसके आने वाली न्यू किताबों के ऊपर, न्यू बुक्स के ऊपर, न्यू कोर्स के ऊपर भी अपडेट आती रहेंगी, और मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। जिस बच्चे को जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता मैं उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करता हूँ, तो चैनल लाजमी फॉलो कीजिएगा फॉर मोर वीडियोज के लिए। अब प्रॉब्लम 19 जो है वो मैंने क्या किया, इससे पहले मैंने एक्सपोनेंट की कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, इसके बाद आने वाले भी ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट दे दूं, क्योंकि इस तरह के स्टेप्स अगले सवालों के अंदर होने वाले हैं, ताकि जिसका नेचुरल लॉग एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स हो, मतलब अगर हमारे पास नेचुरल लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स हो तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। मतलब ये कुछ स्टेप्स होंगे। अब ये देखिए, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, रूल पढ़ा है, अगर फंक्शन है और उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है और डी एक्स है, तो हम उस फंक्शन की पावर में क्या कर लेते हैं, एक ऐड कर लेते हैं, ठीक हो गया, एन प्लस वन, और वही एन प्लस वन हम नीचे भी लिख लेते हैं प्लस सी। लेकिन अब यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव वन ओवर एक्स है, तो हमारे पास यही है कि फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, क्योंकि हम जब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो जो डेरिवेटिव होता है वो वन ओवर एक्स होता है, तो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो मौजूद है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन मौजूद है, फंक्शन क्या है हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, मतलब अगर हम फंक्शन को देखें तो वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है हमारे पास वो वन ओवर एक्स है। तो जब ये दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ नेचुरल लॉग, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर में क्या कर लेंगे, वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन, ठीक हो गया, प्लस सी। तो वन प्लस वन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर टू डिवाइडेड बाई टू और प्लस सी, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये प्रॉब्लम नंबर 19 था। इस तरह की और प्रॉब्लम भी आने वाले, आप लोग प्रॉब्लम नंबर 20 को लाजमी देखिएगा। तो आते हैं प्रॉब्लम नंबर 20 के अंदर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोज के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।